अस्सलामुअलैकुम। पफ पेस्ट्री डो सीरीज़ में हम आज बना रहे हैं खारी। ये देखिए कितने सारे परतों वाली, एकदम झटपट से बन जाती है ये। आप इसको चाय के साथ में इंजॉय कर सकते हो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये मेरा पफ पेस्ट्री का डो रखा हुआ था, जो उसको मैं आधा कट कर लूँगी और आधे में से हम लोग खारी बनाएंगे। ये इसमें मैदा मैं डस्ट कर ली हूँ और इसको अब टैप टैप करके हम इसको बेल लेंगे। अच्छी तरीके से बेल लेंगे ताकि इसका अंदर का जो घी है वो बाहर नहीं आना चाहिए। माजरी, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अब इसे कट कर लेंगे, आप अपने मन चाहे शेप में कट कर सकते हो, छोटी या बड़ी। एक बार पफ पेस्ट्री डो तैयार करके रख दो तो उससे बहुत आसान हो जाता है ये बनाना, उससे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। उसे बनाकर आप 2 से 3 महीने तक का फ्रीजर में रख सकते हो। ये देखिए मैंने अपने ओवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए फ्री हीट कर ली हूँ और बस मैं इसे बेकिंग ट्रे में डालूंगी और इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 12 मिनट के लिए बेक कर लूंगी। फिर हमारी खारी बस बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए 12 मिनट बाद मेरी कितनी अच्छी सी खारी बनके तैयार हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और लाइक का बटन भी वीडियो के नीचे उसे भी दबा दीजिएगा।